आप उसके सभी चीज़ों को निभा रही हैं? मैं सब निभा रही हूँ, नमाज पढ़ना, वजू करना, 5 टाइम की नमाज, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें तब अपनाऊँगा जब तुम नमाज पढ़ोगी, एकदम मुस्लिम हो जाओगी। मैंने कहा मैं तो ठीक है ना, मैं आपके हिसाब से आपके प्यार के लिए डेफिनेटली मैं नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज़ पढ़ना कोई गुनाह थोड़ी है, उससे अच्छा ज़िंदगी अच्छी बेहतर ही होती है, रास्ते क्लीन होते हैं आपके जब आप खुदा से दुआ मांगते हैं। तो आप इतना सब कुछ कर रहे हो, फिर भी मैं आदर को क्यों नहीं समझ गया? मारने को दिल करता है, क्यों यकीन किया आदिल पे, क्यों प्यार किया, क्यों लॉयल बीवी रही उसकी मैं, कहा जाओ कितने दाग लग गए उस पर। आप बहुत ही भोली हैं, आप लास्ट टाइम भी आपने रितेश जी के साथ में जब आपने किया उन्होंने भी आपके साथ ऐसा सलूक किया, उसके बाद रितेश ने उतना ठीक है, उसने गुनाह बहुत किया था बट उसने इतना नहीं सताया, बड़ो ऑन द स्पॉट वो तो छोड़ दीजिए उसके बारे में। लेकिन राखी जी अभी आप मैसूर पुलिस से अभी उनको लेके गए तो क्या कहने? मैं कल सुबह जा रही हूँ मैसूर, टिकट आ गई है मेरी, मैं जाके पुलिस स्टेशन में मिलूंगी और वो लड़की से मिलना चाहूँगी, मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ। आदिल हमेशा उसको कहते थे कि राखी को गाली दे, मैसेज पढ़िए बीच और कहते यू अब्यूज़ हर, और मुझे कहते कि वो तुमको अब्यूज़ कर रही हो तुम मुझे क्यों बोल रही हो, मेरे पीछे पड़ी है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। आपके वकील के साथ जा रहे? तो नहीं, मैं अकेले जा रही हूँ, शायद शर्लिन और मैं जाएंगे, शायद वाहिद भाई, शर्लिन और मैं जाएंगे। नहीं, वकील नहीं रहेंगे। एंड तो वो लड़की ने मुझे बताया कि राखी मैम आई एम इनोसेंट, मुझे वीज़ा देकर यहाँ बुलाया मुझे, नो डाउट उसने थोड़ी मेरी फीस भरी, घर का रेंट भरा, बट वो मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती चीज़ें करता था, धारा 376 लगी है। तो राखी मैन उसने मुझे शादी का वादा किया था बट उसने आपसे शादी कर ली, तो उसने मुझे बताया था राखी मैम आप उसे, मैंने उस लड़की को बताया मेरी तो शादी हो गई उसने, और ये उसको अल्लाह की कसम खाता था कि अल्लाह की कसम आई डिडंट मैरी टू, उसमें देखिए मैसेज है कि आई डिडंट मैरी टू राखी आई यू स्टूपिड, देखिए सारे मैसेज है। वो लड़की ने आज मुझे सारे मैसेज दिखाए। क्या मैसूर पुलिस की तरफ से आपको अप्रोच किया गया है, जैसे आपके कुछ उनके माँ बाप की गलती है, जब उनके माँ बाप उनकी बहन ये सब जानते थे तो उनके माँ बाप ने क्यों नहीं बोला उनको कि राखी सावंत बहुत पॉपुलर हस्ती है बॉलीवुड की, उसके साथ मत, उसके साथ गुनाह करो, या उसको एक हिंदू लड़की को मत इस्लाम को भूल कर आओ, प्यार में जबर मतलब ये इन सब चीज़ों में, और उसके साथ गुनाह मत करो अगर आप निभा नहीं सकते हो तो, क्योंकि अगर आप निभा सकते हो तो आप शादी करो, निकाह करो। बट इस्तेमाल किया मुझे, मैं उन्हें मेरा दिल और मैं अपने आप को पूछती हूँ, धिक्कारती हूँ अपने आप को कि क्यों मैं उसे प्यार करती हूँ, प्यार करने लायक उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं, जस्ट बिकॉज ही इज़ योर हस्बैंड तो तुम उसे प्यार करती हो। राखी जी मैसूर पुलिस की तरफ से क्या बयान दर्ज करने के लिए आपको अप्रोच किया गया या किया गया है? मुझे बुलाया तो नहीं है, मुझे पता तो नहीं है, बट मैं खुद ही खुद कल जा रही हूँ। राखी जी आप इतना मतलब आपने जो ये सब किया आदिल के लिए किया, आपने इस्लाम कबूल किया, देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित किया है और फिर उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही दर्दनाक, आपको अपनी जो मेरे साथ भी दर्दनाक घटना होने वाली थी, मैं भी फ्रिज में जाने वाली थी, नदी में, कूड़े में, पंखे से लटकना, आदिल ने पूरे प्लान कर लिए थे, आपने देखे है मैसेज में उस लड़की को कहा है कि यू ओनली माय आई नीड वन वाइफ दैट इज यू, राखी को दिसंबर नवंबर तक तो मैं छोड़ दूंगा, उस बीच में मैं बिग बॉस में चली गई, मराठी बिग बॉस में, तो मैं बच गई। आपको क्या लगता है आपका फैसला ये कैसा था? राखी जी आपसे गलती हुई? भाई आए क्या? हां चलो खड़े हो जाओ। भाई बुला ले, बुला ले मेरा भाई, आओ चक्कर आके गिर गई भाई, आओ क्या हो गया, पानी वानी लाओ। नहीं भाई, भाई मेरा गाना कर रहे हैं, मेरी जो अभी फिलहाल जो मेरी सिचुएशन चल रही है हालत, तो भाई चक्कर आके गिर गई, तो 24-25 भाई गाना कर रहे हैं मेरा।
मेरी हालत पे, और ऐसा गाना जो आप लोगों ने आज तक नहीं सुना हो। ग्रुप टू हां भाई, वो दसर भाई मेरा गाना कर रहे मेरे सिचुएशन में। सर राधे जी के साथ इन्होंने जितना विश्वास में इन्होंने लिया था वो पूरा गाने में डालने वाले, उसके वैसा कुछ हुआ नहीं, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो हर रोज़ मिलते हैं, एक आध दिन में हमेशा मिलते रहते हैं, हम हमेशा अंधेरी में, और हम राखी के साथ हैं, हमारी पूरी टीम और सभी हम एक फैमिली की तरह हैं, और हमेशा मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि हिम्मत रखिए। और मुझे लगता है इनसे ज़्यादा शक्तिशाली औरत मैंने तो देखा नहीं आज तक, कि इतना इन्होंने संभाल के रखा, कोई और होता तो मतलब कूद गया होता कहीं से। तो आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, बट ऑब्वियसली बहुत दुख होता है हमको भी कि हमारा कोई अपना अगर परेशान है तो और नाराज़ है, और इस बात पे बहुत जो भी हुआ उनके साथ मैं ही चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए, और हमेशा हम राखी जी को हंसता हुआ दिखना चाहते हैं, हमेशा खुश दिखना चाहते हैं, मैं यही दुआ करता हूँ हमेशा। आज सॉन्ग आया भाई कितना अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम लोग 24 घंटे आप लोग सब जरूर आइएगा। रैप है कि या मेलोडी?